नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हो तो समझो कि उस व्यक्ति के साथ तांत्रिक क्रिया की जा रही है, उस व्यक्ति के साथ तांत्रिक क्रिया कर दी गई है जिससे कि उसे धीरे धीरे बर्बाद किया जाता है। तांत्रिक क्रिया क्या होती है, तांत्रिक क्रिया का मतलब क्या होता है, इससे होने वाले नुकसान, इससे होने वाली परेशानियां क्या क्या होती हैं और तांत्रिक क्रिया कैसे की जाती है, वो तांत्रिक क्रिया कहां कहां से इंसान पर करी जा सकती है, ये सारी जानकारियां आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, ये वीडियो इतनी ज्ञानवर्धक है जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ये वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए और इस वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा और आपके जीवन में होने वाले संकटों का पता चलेगा कि ये संकट हम पे क्यों चल रहा है। दोस्तों, आजकल कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से खुश नहीं रहता है। जो व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत करके सफल हो जाता है, अपनी ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ता है, जो जीवन में खुश रहता है, जिसके पास धन दौलत गाड़ी बंगला पत्नी बीबी बच्चे पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता है और सब खुशी से संपन्न है, तो उस व्यक्ति से सबसे पहले अपने ही नफरत करने लगते हैं। उनके दिल में जलन होने लगती है क्योंकि उनको एक फीलिंग होने लगती है कि ये व्यक्ति मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा भतीजा या मेरे ताऊ या मेरा चाचा मुझसे आगे चले गया है, अब समाज में इसकी ही इज्जत होगी, मेरी कोई नहीं होगी। या फिर आपस में कोई बुरा भला बोल जाते हैं या किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इस बदले की भावना में उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए आजकल इंसान सामने से नहीं लड़ता है, आजकल तांत्रिक क्रियाओं द्वारा इंसान को बर्बाद किया जाता है, गुप्त तरीके से इंसान पर वार किया जाता है। हम किस कारण से परेशान हैं या हम धीरे धीरे क्यों बर्बाद हो रहे हैं, यानी जो इंसान घर से सड़क तक पहुंच जाता है, घर से बेघर हो जाता है, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है, मान सम्मान धन दौलत सब कुछ छिन जाता है, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है यदि उसके साथ ऐसा हो जाता है तो उसे दुख होता है, वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी जीवन में बुरा नहीं किया है, मैंने तो जीवन भर मेहनत की है, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ाऊं, लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे मित्रों कि वो भगवान नहीं, आपका अपना कोई गुप्त शत्रु आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, आपको दुनिया से विदा कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो तांत्रिक क्रिया की जाती है वो किस तरीके से और कैसे कैसे करी जाती है। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति का फोटो मिल जाता है तो उससे भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, किसी व्यक्ति का कोई पहना हुआ कपड़ा मिल जाता है तो भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, किसी व्यक्ति के पैर के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, किसी व्यक्ति के घर की मिट्टी मिल जाए तो भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए तो भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, किसी व्यक्ति की मां का नाम पता हो तो उसके साथ भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, यदि किसी के घर में मुर्दे की चिता की राख लाकर डाल देते हैं तो भी तांत्रिक क्रिया हो जाती है, यदि किसी मरे हुए व्यक्ति की हड्डी लाकर किसी के घर में गाड़ देते हैं तो भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, या फिर
किसी भी व्यक्ति के घर में गंडा तबीज पढ़कर गाड़ देते हैं तो भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। किसी व्यक्ति के नाम का यंत्र बनाकर किसी मंदिर गौशाला या शमशान में गाड़ देते हैं तो भी तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। या किसी व्यक्ति के नाम से किसी भी जानवर की भेंट दी जा सकती है, जैसे बकरा की, मुर्गे की, या बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, अंडे की, किसी की भी उसके नाम से शमशान में जाकर भेंट देते हैं जो तांत्रिक होते हैं, तो उस व्यक्ति को बर्बाद किया जा सकता है। उसके अंदर ब्लेड, सुई, धागा, गंडा, बहुत सारी चीजें पहुंचाई जा सकती है। तांत्रिक क्रिया वो क्रिया है तो लाखों किलोमीटर से भी तांत्रिक क्रिया से उस व्यक्ति को बर्बाद किया जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य और सटीक बात है। अब इस बात को सोचकर आप अचंभे में पड़ गए होंगे। कुछ लोग तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो चुका होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये महाप्राचीन इंद्रजाल से विद्या प्राप्त की जाती है। मंत्रों की सिद्धि करने के बाद तांत्रिक के अंदर शक्ति प्राप्त होती है। तांत्रिक क्रिया में 6 कर्म होते हैं जिन्हें षष्ठ कर्म भी कहते हैं। सबसे पहला कर्म है शांति कर्म, दूसरा है वशीकरण, तीसरा है स्तंभन, चौथा है विदेशन, नंबर 5 है उच्चाटन और नंबर 6 है मारण क्रिया, जिसे मारण कर्म कहते हैं। इन 6 कर्मों का अलग अलग महत्व होता है, इनका अलग अलग फल होता है, इनका अलग अलग असर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शांति कर्म का क्या मतलब है। जिस कर्म के प्रयोग से मानव जाति के पाप कट जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है, उस क्रिया को शांति कर्म कहा जाता है। नंबर 2, वशीकरण कर्म का अर्थ है जिस कर्म को करने से प्राणी अपने वशीभूत हो जाता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है, उसी को वशीकरण कर्म कहते हैं। नंबर 3, विदेशन कर्म। विदेशन कर्म का मतलब है जिस कर्म के प्रयोग से दो प्राणियों में विरोध एवं वैमनस्यता पैदा की जा सकती है, उसी को विदेशन कर्म कहा जाता है। नंबर 4, उच्चाटन कर्म। उच्चाटन कर्म का मतलब है जिस साधना से हम किसी भी प्राणी का मन उच्चाटन करने में सफल हो जाए, जिसकी शक्ति से कोई भी प्राणी अपने घर से भागने लगे और बाहर से घर भागने के लिए तैयार हो जाए, तो उसी को उच्चाटन कर्म यानी साधना कहते हैं। नंबर 6, मारण क्रिया। इसका मतलब है जिस साधना सिद्धि द्वारा हम किसी भी प्राणी का अपहरण कर लेते हैं, उसे मारण कर्म कहते हैं। प्राचीन इंद्रजाल के माध्यम से षष्ठ कर्म होते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है और इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है और आप तक पहुंचाने का मतलब यह है, इस तरीका से हर व्यक्ति को बर्बाद किया जा सकता है। और यदि आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ मेरी बताई हुई ये घटनाएं घटती हैं, तो समझो कि उस व्यक्ति के साथ तांत्रिक क्रिया चल रही है। यदि किसी व्यक्ति पर तांत्रिक क्रिया हो गई है तो उसकी पहचान क्या होती है, उसके साथ क्या क्या घटित होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली पहचान तांत्रिक क्रिया की ये होती है, यदि कोई व्यक्ति हर्ष पुष्ट है और वो अचानक बीमार पड़ जाता है और लंबे समय तक वो बीमार रहता है और कोई भी दवा असर नहीं करती है, जो आपका जो टेस्ट होता है उसमें, उस रिपोर्ट में कुछ भी आपका रोग सामने नहीं आता है, कोई भी रोग सामने नहीं आता है, और आप बार बार नए नए डॉक्टरों के पास जाते हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी दवा असर करना बंद कर देती है और कोई भी रिपोर्ट में कोई भी रोग सामने नहीं आता है, तो समझो कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया चल रही है, हो चुकी है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे चौकी रखवा दी जाती है, घायल छुड़वाई जाती है, तो उसमें
एक समय रखा जाता है कि इस व्यक्ति की इतने दिन में मृत्यु हो सकती है, मरने के बाद आप उसकी जानकारी करते हैं। लेकिन यदि आपके साथ फिलहाल ऐसा हो रहा है, तुरंत अपने तांत्रिक क्रियाओं का समाधान कराएं, किसी भी तांत्रिक से, किसी भी ज्योतिष से, किसी भी अच्छे ज्ञानी महापुरुष से आप अपने तांत्रिक क्रिया को कटवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति धन से परिपूर्ण है, जिसके पास करोड़ों का बिजनेस है, लाखों का बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और वो अचानक धीरे धीरे हानि उठाने लगता है और धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है, यानी कुछ दिनों में उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, सारी खुशियां छिन जाती है, सारी धन दौलत बर्बाद हो जाती है, अमीर से फकीर बन जाता है, तो समझो कि तांत्रिक क्रिया चल रही है। किसी व्यक्ति के शरीर में हमेशा दर्द या चीस जगह रहती है, या सर में दर्द रहता है, या सीने में बेचैनी रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के शरीर में एक जगह ही दर्द होता रहता है और वहां एक फोड़ा का रूप ले लेता है, तो वो भी तांत्रिक क्रिया की पहचान होती है। किसी की उल्टी में ब्लेड निकलते हैं, या काला धागा निकलता है, या सुइयां निकलती हैं, या खून की उल्टियां होती हैं, या धीरे धीरे वो सूखने लगता है, उसकी भूख मर जाती है, तो वहां भी तांत्रिक क्रियाएं शुरू हो जाती है। यदि आपके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, और आप लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, बार बार असफलता का सामना देखते हैं, तो वहां भी तांत्रिक क्रियाओं की पहचान होती है। जिस घर में हमेशा व्यक्ति बीमार रहते, कोई ना कोई बीमार रहता है, जिस घर में आपस में सम्मान खत्म हो जाता है, जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिस घर में आपस में व्यक्तियों में शत्रुता हो जाती है, या भाई भाई एकदम बिखर जाते हैं और दूर दूर चले जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, तो वहां भी तांत्रिक क्रिया शुरू हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सही सलामत रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार चलता रहता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, फांसी लगा लूं, जहर खा लूं, रेल के नीचे कट के मर जाऊं, कूद के मर जाऊं, भग जाऊं, तो ये भी तांत्रिक क्रिया की पहचान होती है। खामेखा दिमाग बंद जाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, शरीर में आलस्य रहता है, एक भीतर अंदर बुखार सा रहता है, शरीर टूटा टूटा सा रहता है। यदि आप लाख प्रयास करते हैं काम पर जाने का या कुछ कार्य करने का, तो आप उसे कर नहीं पाते हैं टाइम पर, वहां भी आपको तांत्रिक क्रियाओं से बांध दिया जाता है। जिस व्यक्ति को रात्रि में बहुत गंदे डरावने भयानक सपने देखते हो, जिस व्यक्ति को सोते सोते झटका लगता हो, जिस व्यक्ति की गर्दन ऐंठ जाती हो, जवान सूख जाती हो, या फिर हाथ पैर अकड़ जाते हो, अचानक जवाड़ी भिज जाती है, या अचानक आप चक्कर खाकर गिर जाते हैं, या आप कोई भी सफेद खाने की वस्तुओं को खाते हैं, तो आपको बेचैनी या दर्द सर में हो जाता है, तो ये भी तांत्रिक क्रिया पहचान होती है। जो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया लगाकर अपना बिजनेस खड़ा करता है और वो हमेशा बर्बाद हो जाता है, या फिर कर्ज के बोझ में बहुत ज्यादा डूब जाता है, लाख प्रयास करने के बाद भी कर्ज से बाहर नहीं आता है और आए दिन उसका अपमान होता है, तो वहां भी तांत्रिक क्रियाओं से आपके काम धंधे को बांध दिया जाता है। यदि आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो पूजा करते समय या तो आप बीमार हो जाते हैं, या नींद आ जाती है, या हाथ से माला छूट जाती है, या आपका पूजा में मन ही नहीं लगता है, और सबसे खास बात तो यह है, यदि आप पूजा पाठ करते समय मनोश्रद्धा से पूजा नहीं कर पाते हैं, आपके मन मस्तिष्क में गंदे विचार आते हैं, तो वहां भी तांत्रिक क्रियाओं का असर आप पे हो चुका है। जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या बार बार गर्भ गिर जाता है, या बच्चा गर्भ में ही सूख जाता है, तो ये भी तांत्रिक क्रियाओं की पहचान होती है। जहां शादी में बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार रिश्ता होकर टूट जाते हैं, या बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, मुंह तक निवाला आता है, छिन जाता है, तो वहां इन तांत्रिक क्रियाओं से ही उसको परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं
जो तांत्रिक क्रियाओं द्वारा इंसान को परेशान किया जाता है, उसको बर्बाद किया जाता है, उसको खोखला किया जाता है। साथियों, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास है और आपके साथ ऐसा हो रहा है या मेरी बताई हुई कोई भी घटना आपके साथ घटित हो रही है, तो बिल्कुल देर ना करें, तुरंत अपनी समस्या का समाधान कराएं, वरना बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि जब चिड़िया चुग जाए खेत तो बाद में पछताना रह जाता है। इसलिए रोग में, शत्रुता में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो व्यक्ति तुरंत डिसीजन लेता है, तुरंत कार्रवाई करता है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल रहते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि आप इस तरीका से पूजा कराइए अपने नाम से, अपनी राशि के हिसाब से, कि आप पर अगला वाला कभी भी आप पर तांत्रिक क्रिया द्वारा करवाता है तो उसका असर नहीं हो पाए। ऐसी बहुत सारी पूजाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं, ऐसे बहुत सारे यंत्र तंत्र मंत्र होते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो या मेरी बातों में सच्चाई नजर आई हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि किसी भी भाई बहन, स्त्री या पुरुष के साथ, किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो सचेत हो जाएं, लापरवाही ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ मिले, आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके संकटों का निवारण हो। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।